दमोह जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता शिवचरण पटेल के जेल में बंद बेटे और हाल ही में जेल में रहकर हटा जनपद सदस्य जनपद अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले इंद्रपाल सिंह का शपथ ग्रहण समारोह आज हटा जनपद पंचायत परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर इंद्रपाल को जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा 2 दिन की पेरोल दी गई थी, जिसमें वह हटा पहुंचे तथा उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए ग्राम विकास के संकल्प को दोहराया, मुख्यमंत्री के संदेश का दोहराया। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान इंद्रपाल ने बताया कि वह किस तरह से आने वाले समय में जनपद पंचायत का संचालन करेंगे। सभी लोग स्वस्थ रहे, मेरे क्षेत्र का कृषि के क्षेत्र में जेल में रहकर भी आपको निर्वाचित किया जनपद सदस्य में और अध्यक्ष भी बनाया, आप किस उद्देश्य को लेकर आप पुलिस का काम करेंगे? सर्वप्रथम तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि क्षेत्र का विकास हो एवं शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका सही से क्रियान्वयन हो एवं हर व्यक्ति को सुविधाओं का लाभ मिले जो पात्र हैं। आप किस प्रकार से संचालित करेंगे जनपद अध्यक्ष का? जनपद अध्यक्ष का सामान्य प्रक्रिया से संचालित करेंगे और जैसा कि होता है, लेकिन शासन की सभी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से हर पात्र व्यक्ति के लिए पहुंचेगा, इसका मैंने संकल्प लिया है और इस पर मैं आप सबके सहयोग के साथ खरा उतरूंगा। जेल में रहकर यह कहां तक संभव होगा? जेल में रहकर जेल की बात है तो वो न्यायालय के ऊपर है, क्योंकि मुकदमा विचाराधीन है और मुकदमे में जो गवाही चल रही है वो भी क्रॉसिंग की है, तो ऐसा नहीं है, जल्दी भगवान के आशीर्वाद से, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जल्दी आप सबके साथ आएंगे और आगे विकास के लिए अग्रसर रहें।